हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जेबी सेबी और बैंक प्रमोशन के संबंध में यहाँ बात करें। जेबी के अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स का क्वेश्चन सेट सीरीज नंबर वन है। पहला सवाल देखिए, नंबर ऑफ नोट्स आर अपेंडेड टू द बैलेंस शीट बाय कंपनीज विच इंक्लूड इन्फॉर्मेशन सच एज, बोलते हैं कई नंबर ऑफ नोट्स जो होता है वो जोड़ा जाता है बैलेंस शीट में कंपनीज का, जिसमें कि इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करता है सच एज कंटिजेंट लायबिलिटीज, मार्केट वैल्यू क्या होगा इन्वेस्टमेंट्स का। ये सारी चीज इसलिए की जाती है ताकि कंप्लायंस किया जा सके अकाउंटिंग कंसेप्ट के साथ, ठीक है। यहाँ ए ऑप्शन है आपको बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट हो गया, बी ऑप्शन आपको मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है, सी ऑप्शन रिलेशन कंसेप्ट है, डी ऑप्शन अकाउंटिंग ऑफ फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट है। सही ऑप्शन आ जाएगा डी, अकाउंटिंग ऑफ फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर टू है, द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म इन अकाउंटिंग कंसेप्ट स्टैंड्स फॉर, जो प्रिंसिपल होता है कंजर्वेटिज्म का, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंटिंग कंसेप्ट में क्या चीज को स्टैंड करता है वो, या किस बात को स्टैंड करता है। पहला है ए ऑप्शन है एंटिसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, बी ऑप्शन है कंजर्व ऑल फाइनेंशियल रिसोर्सेज, सी ऑप्शन है यूज द रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन वेरी केयरफुली, डी ऑप्शन है आपको डू नॉट ओवरस्टेट द एसेट्स और लायबिलिटीज। सही ऑप्शन आ जाएगा ए, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। क्वेश्चन नंबर थ्री है, ए फर्म रिकॉर्ड्स द इनकम एंड एक्सपेंडिचर व्हेन इट इज एक्चुअली रिसीव्ड एंड इनकर्ड, जो फर्म है वो रिकॉर्ड करता है इनकम और एक्सपेंडिचर को जो एक्चुअली इसको रिसीव होता है इनकम होता है। द फर्म इज फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग कंसेप्ट, फर्म कौन से अकाउंटिंग कंसेप्ट को फॉलो करता है। ए ऑप्शन एक्रुअल सिस्टम, बी ऑप्शन हैबिट सिस्टम, सी ऑप्शन मर्चेंटाइल सिस्टम, डी ऑप्शन है बोथ ए एंड सी, ए एंड सी बोथ। सही ऑप्शन है सी, मर्चेंटाइल सिस्टम। क्वेश्चन नंबर फाइव है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट प्रॉपरली मैच्ड इन टर्म्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, इनमें से कौन सा चीज जो है सही तरीके से मैच नहीं किया हुआ है इन टर्म्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में। ए ऑप्शन मशीनरी रियल अकाउंट, बी ऑप्शन है रमेश बायर ऑफ गुड्स फ्रॉम द फर्म ऑन क्रेडिट पर्सनल अकाउंट, सी ऑप्शन है आपको बैंक अकाउंट रियल अकाउंट, डी ऑप्शन है सैलरी पेड नॉमिनल अकाउंट। सही ऑप्शन आ जाएगा सी, बैंक अकाउंट रियल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट विद व्यू टू एसर्टेन द प्रॉफिट और लॉस मेड ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर पीरियड एंड अ फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस ऑन ए पार्टिकुलर डेट इज कॉल्ड, बोलते हैं हम प्रिपरेशन करते हैं ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट को इस व्यू के साथ के, ताकि हम एसर्टेन कर सकें, पता कर सकें क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है किसी पार्टिकुलर पीरियड में, और फाइनेंशियल पोजीशन किसी बिजनेस का हम जान सकें किसी डेट को उसको हम क्या बोलेंगे। ए ऑप्शन है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, बी ऑप्शन है क्लासीफाइंग ऑफ द ट्रांजेक्शन, सी ऑप्शन है समराइजिंग द ट्रांजेक्शन, डी ऑप्शन है ऑल द अबव। सही ऑप्शन आ जाएगा सी, समराइजिंग द ट्रांजेक्शन। क्वेश्चन नंबर सेवन है, विच ऑफ द फीचर्स ऑफ द जर्नल एंड लेजर गिवेन एज अंडर इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा फीचर जो जर्नल और लेजर का वो इसके अंदर सही नहीं दिया हुआ है बताया हुआ है। ए ऑप्शन है जर्नल इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बी ऑप्शन है जर्नल इज ए बुक ऑफ एनालिटिकल रिकॉर्ड, सी ऑप्शन है लेजर इज ए बुक ऑफ सेकेंडरी रिकॉर्ड, डी ऑप्शन है प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग। सही ऑप्शन आ जाएगा बी, जर्नल इज ए बुक ऑफ एनालिटिकल रिकॉर्ड। क्वेश्चन नंबर एट है, नॉमिनल अकाउंट रिलेट टू, नॉमिनल अकाउंट किसके साथ रिलेट करता है। ए ऑप्शन इनकम, बी ऑप्शन सॉरी नॉमिनल अकाउंट किसके साथ रिलेट करता है, यहाँ पॉइंट दिया चार पॉइंट है, ए पॉइंट इनकम, बी पॉइंट एक्सपेंसेस, सी पॉइंट एसेट, डी पॉइंट लायबिलिटीज। तो ए ऑप्शन हो गया ए टू डी ऑल, बी ऑप्शन हो गया ए एंड बी ओनली, सी ऑप्शन हो गया बी एंड सी ओनली, डी ऑप्शन हो गया ए एंड सी ओनली। सही ऑप्शन आ जाएगा बी, ए एंड बी ओनली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नाइन, द जनरल एंट्रीज आर पोस्टेड इन द लेजर, जनरल एंट्रीज जो लेजर में पोस्ट किया गया है। ए ऑप्शन इन ऑर्डर ऑफ देयर कैटेगरी, बी ऑप्शन है इन ऑर्डर ऑफ देयर डेट, सी ऑप्शन है इन ऑर्डर ऑफ देयर इंपॉर्टेंस, डी ऑप्शन है एज पर डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉर्म। सही ऑप्शन आ जाएगा बी, इन ऑर्डर ऑफ देयर डेट्स। क्वेश्चन नंबर टेन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज कॉल्ड वैल्यूएशन अकाउंट और कॉन्ट्रा अकाउंट, इनमें से कौन से अकाउंट को वैल्यूएशन अकाउंट बोलते हैं कॉन्ट्रा अकाउंट बोलते हैं। चार पॉइंट दिया हुआ है, ए पॉइंट है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, बी पॉइंट है आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट, सी पॉइंट आपका स्टॉक रिजर्व अकाउंट, डी पॉइंट रिजर्व एंड सरप्लसेस अकाउंट। ए ऑप्शन हो जाएगा ए टू डी ऑल, बी ऑप्शन हो जाएगा ए बी एंड सी ओनली, सी ऑप्शन हो जाएगा ए सी एंड डी ओनली, डी ऑप्शन हो जाएगा बी सी एंड डी ओनली। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ए बी एंड सी ओनली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ग्यारह, ए डबल कॉलमनर केस बुक हैज टू कॉलम्स ऑन ईच साइड, विच वन इज फॉल्स, बोलते हैं डबल कॉलमनर केस बुक में दो कॉलम होते हैं हर एक साइड में, क्या कौन सी बात गलत है। ए ऑप्शन है वन कॉलम इज मिंट फॉर कैश एंड अनदर फॉर डिस्काउंट, बी ऑप्शन है द डिस्काउंट कॉलम ऑन द डेबिट साइड रिप्रेजेंट्स द डिस्काउंट अलाउड, सी ऑप्शन है द कैश कॉलम ऑन द क्रेडिट साइड रिप्रेजेंट्स कैश रिसीव्ड, डी ऑप्शन है डिस्काउंट अकाउंट ऑन द
credit side means the discount allowed and the cash column on the debit side means cash received. सही ऑप्शन हो जाएगा डी. डिस्काउंट कॉलम ऑन द क्रेडिट साइड मींस द डिस्काउंट अलाउड एंड कैश कॉलम ऑन द डेबिट साइड मींस कैश रिसीव्ड. क्वेश्चन नंबर 12 है, इन ए बिजनेस फर्म द चीफ कैशियर हैंड्स ओवर सम कैश टू द पेटी कैशियर हु सबमिट्स द अकाउंट ऑफ पेटी कैश आफ्टर ए फिक्स टाइम इंटरवल. दिस सिस्टम इज कॉल्ड, ठीक है, क्या बोलता है, विच इज मोस्ट एप्रोप्रिएट. तो बोलते हैं कि यहाँ जो बिजनेस फर्म होता है जहाँ पे चीफ कैशियर जो होता है हैंडओवर करता है कुछ केस जो होता है पेटी कैशियर का, जहाँ पे सबमिट करता है पेटी केस एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, तो यहाँ पे कौन सा सिस्टम जो होगा वो एप्रोप्रिएट होगा. ए ऑप्शन है पेटी कैश सिस्टम, बी ऑप्शन है पेटी कैश बुक सिस्टम, सी ऑप्शन है इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक, डी ऑप्शन है एडवांस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक. सही ऑप्शन है सी, इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक. क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेज, इनमें से कौन सा चीज मैच करता है. ए ऑप्शन है परचेज बुक, बोथ क्रेडिट एंड कैश परचेजेस आर रिकॉर्डेड. बी ऑप्शन है सेल्स बुक, बोथ क्रेडिट एंड कैश परचेजेस आर रिकॉर्डेड. सी ऑप्शन है आपको परचेज बुक, ओनली कैश परचेजेस आर रिकॉर्डेड. डी ऑप्शन है सेल्स बुक, ओनली क्रेडिट सेल्स आर रिकॉर्डेड. सही ऑप्शन है डी, सेल्स बुक, ओनली क्रेडिट सेल्स आर रिकॉर्डेड. क्वेश्चन नंबर 14 है, when there is one debit and several credit equal the debit amount or there is one credit and several debit to match the amount of credit this is called. बोलता है जहाँ पे एक डेबिट होता है, जहाँ पे एक डेबिट है कई तरह के क्रेडिट होते हैं जो कि इक्वल होगा डेबिट और क्रेडिट के किसी भी अकाउंट में, और या फिर हो जाए कई तरह के डेबिट हो जो कि मैच करेगा अमाउंट जो होता है क्रेडिट का, इस चीज को हम क्या बोलेंगे. ए ऑप्शन है सिंपल जनरल एंट्री, बी ऑप्शन है मल्टीपल जनरल एंट्री, डी ऑप्शन सी ऑप्शन है कंपाउंड जनरल एंट्री, डी ऑप्शन एग्रीगेटेड जनरल एंट्री. सही ऑप्शन हो जाएगा सी, कंपाउंड जनरल एंट्री. क्वेश्चन 15 है, इसमें पॉइंट्स दिया हुआ है, चार पॉइंट्स है, आपको बताना है कौन सा पॉइंट सही है. ए पॉइंट है व्हेन गुड्स आर परचेज द परचेज अकाउंट इज यूज, ठीक है. बी पॉइंट है आपका व्हेन गुड्स आर सोल्ड द सेल्स अकाउंट इज यूज. सी पॉइंट है व्हेन गुड्स आर रिटर्न्ड बाय द कस्टमर ऑफ द फर्म द रिटर्न आउटवर्ड इज यूज. डी पॉइंट आपका व्हेन द goods are returned by the firms to its suppliers the purchases return is used. which is correct, इसमें से बताओ कौन सी बात सही है आपको बताना है. ए ऑप्शन हो जाएगा ए टू डी ऑल, बी ऑप्शन हो जाएगा बी सी एंड डी, सी ऑप्शन हो जाएगा ए बी एंड डी, डी ऑप्शन हो जाएगा ए बी एंड सी. तो सही ऑप्शन आ जाएगा सी, हो जाएगा ए बी एंड डी, यानी ए बी एंड डी सही है, सिर्फ सी ऑप्शन गलत है इसमें. यहाँ पे प्रॉपर जेआईबी का वीडियो कोर्स का पैकेज ले सकते हैं, वीडियो लेक्चर कोर्सेज होगा, केस स्टडी का वीडियो होगा, 2000 क्वेश्चन बैंक होगा, सुपर नोट्स होगा, क्विक रिवीजन नोट होगा और मॉक टेस्ट होगा. यहाँ पे दो तरह के जेआईबी का कोर्सेज है, पीपीटी वीडियो कोर्स है जिसमें अगर जेआईबी का प्रिंसिपल से लीगल करेंगे तो हमें 600 रुपये, जेआईबी का अकाउंटिंग करेंगे तो 800 रुपये, जेआईबी का कॉमन पे करेंगे तो 1500 रुपये, जेआईबी का फेस टू फेस वीडियो कोर्स करेंगे उसमें जेआईबी का प्रिंसिपल से लीगल उसका दाम 1200 रुपये, जेआईबी का अकाउंटिंग करेंगे 1500 रुपये, जेआईबी का कॉमन पे करेंगे तो 3000 रुपये. ज्यादा जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं, फोन नंबर हो जाएगा 4x9685127, दूसरा नंबर है 7827546946. वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट हो जाएगा www.jvcmstudymetal.com, email id ho jayega sitsena123@gmail.com.